अरे वाह मेरे भाई, तुझे इतने सारे खिलौने कहाँ से मिले? अरे हाँ मेरे व्हाइट एंड गोल्ड भैया, मुझे सारे खिलौने किसी ने गिफ्ट में दे दिए। क्या बात है गाइस, मेरा भाई तो बड़ा ही खुश दिख रहा है। वैसे तो हम बहुत ही गरीब लोग हैं, लेकिन दोस्तों कभी कभी खुशी गरीबों की झोली में भी आ जाती है। आ जाइए सर, आ जाइए। आ तो रहा हूँ, बच्चे तो दिखाओ। अरे वो रहे, दोनों ही मेरे बच्चे हैं, मेरे पास ही पढ़ते हैं, काफी अनाथ है। गाइस ये जो ब्लू वाले हल्के ना, ये हमारे टीचर हैं। लेकिन एक मिनट, ये कौन नए हल्के हैं? मैं हूँ रेड हल्क, व्हाइट से बच्चे चल यहाँ से निकल जा, मेरे को ये ग्रीन बच्चा चाहिए। अरे सर इसको मैं $10 मिलियन में बेचूंगा। क्या 10 मिलियन डॉलर? ठीक है चलेंगे, ले लो $10 मिलियन। क्या नहीं, मेरा भाई बिकाऊ नहीं है। हे भाई चल भाग यहाँ से। अरे हाँ भैया मैं नहीं बिकूंगा, अरे भागो। कहाँ भागोगे? अरे भाग नहीं सकता, तुम्हें खरीद लूंगा। अरे प्लीज कोई बचाओ। अरे ये क्या कर रहा है रेड हल्क, मेरे भाई को छोड़। नहीं छोड़ूंगा। ए सर जी जल्दी पेमेंट कर दो, इसको तो मैं संभालूंगा। अरे प्लीज टीचर मेरे भाई को मत बेचने दीजिए। मैया बचाओ मुझे, बचा ले। मेरे भाई तू चिंता मत कर, मैं तुझे बचाऊंगा। अरे कैसे बचाएगा गरीब, तुम गरीब हो, तेरे भाई को मैं अच्छे दामों में बेचूंगा। क्या नहीं, मेरे भाई को मत बेच। हा, अब बच्चे को कम से कम $100 मिलियन में बेच दूंगा, अमीर हो जाऊंगा अमीर। अरे बाप रे, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं अपने टीचर को, इसने शायद हमें अपने पास रखी, इसलिए रखा था जिससे कि एक दिन बेच पाए। मजा आ गया, पूरे $10 मिलियन। गाइस देखिए पूरा का पूरा कैश इसके पास है। आप इतना पैसा करेंगे क्या? तुझे क्या मतलब बच्चे, चल निकल यहाँ से। मैं आपको पूरी तरह से पीटूंगा, मैं आपसे बदला लूंगा। एक दिन ना मैं गॉड रिच हल्क बन जाऊंगा, व्हाइट एंड गोल्ड वाला। अरे तू तो बेकार सा है, मेरे कुछ काम का भी नहीं है, तू तो सही से बिच भी नहीं पाया। चल निकल यहाँ से, तेरा भाई काफी महंगा बिच गया, लेकिन तुझे तो कोई खरीदेगा भी नहीं, क्योंकि तू तो अजीब सा है, तू व्हाइट एंड गोल्ड टाइप का है। इसका क्या मतलब है? गाइस प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब, ये अंकल मुझे मार देगा। बिल्कुल सही कहा, निकल यहाँ से। अरे वाह काफी पैसा है। अरे दोस्तों ये इतने पैसे का करेगा क्या? मुझे देखना पड़ेगा असल में ये लोग इतने अमीर कैसे हैं और हम इतने इतने से बच्चे इतने गरीब क्यों हैं। अरे वाह इतने पैसे में ये सूट मिल रहा है। कौन सा सूट मिल रहा है इतने पैसों में? किस सूट की बात कर रहा है ये? यहाँ पर तो काफी सूट है, 10 मिलियन वाला खरीदू या 9.9 वाला? चलो एक काम करता हूँ, 9.9 मिलियन वाला खरीदता हूँ, $1,00,000 में अच्छे वाले कपड़े खरीदूंगा। अरे वाह ये तो कोई बढ़िया सूट लगता है। ऐसा कैसा सूट है ये? ओह माय गॉड गाइस इसको देखिए, ये तो कितना बड़ा हो गया। अरे वाह मजा ही आ गया। दोस्तों ये बहुत ही बुरा टीचर था, मैं क्या करूं, मैं भी एक काम करता हूं, अपने आप को पुअर से गॉड रिच बनाऊंगा या फिर अल्ट्रा गॉड रिच, कुछ तो बनाना पड़ेगा इतना सारा पैसा। एक काम करते हैं, सबसे पहले इन अंकल का ना फोन उठाते हैं। देखिए ये रहा, ये मेरे टीचर का फोन है, क्या पता मुझे भी कोई वेबसाइट मिल जाए और मैं अपने भाई को बचाने के लिए कोई बढ़िया सा सूट खरीद लूं, ये ज्यादा बेटर होगा। निकालते हैं, ये तो लॉक्ड है। ओह नो, लॉक क्या हो सकता है, पासवर्ड क्या हो सकता है? क्लिक करता हूं, खुल जा खुल जा। गाइस अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दो, बहुत जरूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब भी, साथ साथ में कमेंट में ATGamerOP भी लिख देना। ओके गाइस यहाँ पर वेबसाइट खुल चुकी है, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। याद आया, हम ना अपने टीचर के ही पैसे चुरा लेंगे, ये जितना भी पैसा है ना $1,00,000, मैं काम करता हूँ सबसे पहले चुरा लेता हूँ यहाँ पर, उसके बाद ही दोस्तों मैं इसको अपने लिए एक सूट खरीदने के लिए इसको इस्तेमाल करूंगा। देखिए यहाँ पर जो हल्क शॉप है इसमें $1,00,000 का सूट है, पता नहीं। अरे वाह ये तो काफी अच्छा सूट है, चलो इसको बाय करते हैं। ओके गाइस हम यहाँ पर पुअर से रिच बन चुके हैं, अच्छा हुआ। इसका मतलब गाइस अब मैं रेड हल्क से अपने छोटे भाई को बचा लूंगा, चलो जल्दी जल्दी जाते हैं और अपने भाई को बचाते हैं। अरे बाप रे मैं रेड हल्क के घर पे आ गया। गाइस मुझे छुप छुप के जाना पड़ेगा, मेरा भाई बिल्कुल सामने है। मैया जी बचाओ, मैं इतने टाइम से इसके घर पे गुलामी कर रहा हूँ, कोई है? अरे बाप रे गाइस वो मेरे भाई से गुलामी करवा रहा है। मैं एकदम छुप छुप के जाऊंगा, मेरे भाई ग्रीन हल्क तू चिंता मत कर, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। अरे बाप रे इतने टाइम से मेहनत कर रहा हूँ मैं, वो अपनी कार साफ करवाता है। अरे भाई तू कैसा है? अरे तुम कौन हो? मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। अरे वाह भैया आप इतने बड़े हो गए। बिल्कुल मैं तुझे भी यहाँ पे गॉड रिचेस बनाने आया हूँ, हम साथ में पैसे कमाएंगे और रिच बनेंगे, चल मेरे साथ जल्दी से चलते हैं। बिल्कुल आ जा रहे हो। पकड़ लिया इतने सब बच्चे, पहले तू मुझे इंटरेस्टेड नहीं लग रहा था, लेकिन अब बड़ा हो गया, चल तुझे भी $1-2 मिलियन में बेच दूंगा। क्या बकवास कर रहा है तू? रुक तुझे बताता हूँ। अरे रुक जा छोटे बच्चे, तू कहाँ जा रहा है? अरे बाप ले जा भैया जी, ये क्या हुआ? अरे सॉरी मुझे माफ कर दे मेरे भाई, शायद मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ कि तुझे बचा पाऊँ। अरे ऐसा नहीं है, तू कभी हो भी नहीं पाएगा ताकतवर। चल रहा मैं तुझे खरीदूंगा और बेचूंगा भी, मेरी मर्जी, लेकिन तेरा भाई तेरे साथ कुछ नहीं कर सकता। अरे छोड़ो मुझे।
की। तू मेरा गुलाम है, गुलामी करेगा। मेरे भाई को छोड़ दे, मैं तुझे मार दूंगा। तो तू ऐसे नहीं मानेगा? अरे तू मरता भी तो नहीं है, बड़ा ढीठ है। चल एक काम करता हूँ, इस बच्चे को मैं कहीं और लेकर जाता हूँ। अगर अगली बार दिखा तो खत्म कर दूंगा जिंदा कर दूंगा। मैं नहीं छोड़ने वाला गाइस, प्लीज हेल्प मी कमेंट में टी के पर रूपी लिखो। अरे रेडल रुक जा। नहीं रुकूंगा, जल्दी चलता हो। नहीं 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 रेडल, मेरे भाई को छोड़। भैया बचा लो। मेरे भाई मैं वादा करता हूँ, मैं अपने आप को ताकतवर बनाऊंगा और मैं बचा के रहूंगा। दोस्तों मैं क्यों नहीं कर पाया, बहुत हो गया गाइस। अब मैं यहाँ पर रिच नहीं रहूंगा, मुझे अभी अल्ट्रा रिच बनना है, गॉड अल्ट्रा रिच बनना है। लेकिन उसके लिए मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। क्या करूँ। अरे याद आया, मैंने जो अपने टीचर का फोन चुराया था, हम उस फोन का इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे क्या पता हमारे लिए कोई काम मिल जाए या फिर मिशन मिल जाए। ब्रेकिंग न्यूज, जंगल के सारे जानवर गायब हो रहे हैं। जो भी जल्द से जल्द जंगल के जानवर को गायब करने में या करवाने वाले को पकड़ेगा, पुलिस उसको बहुत इनाम देगी। ओह माय गॉड, हमारे जंगल के सारे जानवर पूरी तरह से गायब हो रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है, मुझे पता करना होगा। मजा आ गया, मैंने कितने सारे जानवर को बेच दिया। क्या ये तो ब्लैक रिवेंजर है। ओह माय गॉड, इसने तो गाइस यहाँ पर जंगली सुअर से लेकर यहाँ पर प्यारे प्यारे कुत्तों से लेकर और प्यारे प्यारे शेर से लेकर और किसी को इसने किडनैप कर रखा है, और बेचारे बंदर भी हैं। मुझे इन सबको बचाना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन ये ब्लैक रिवेंजर बहुत ही खतरनाक है, इसके पास पैसा है और एक गन भी है। गाइस आइडिया, क्यों ना मैं इसके पैसे में आग लगा दूं, उससे ना ये पानी लेने जाएगा, तभी मैं सारे जानवर को भगा दूंगा और हम अपने शहर के सारे जंगलों के जितने भी जानवर हैं उनको बचा लेंगे। ये लगाई आग, अरे बाप रे आग लग गई। देखा गाइस, अब वो यहाँ पर बुरी तरह से पानी लेने भागेगा, अब मजा आएगा। अरे नहीं, मेरे पैसों में आग किसने लगा दी। अरे पानी लेकर आता हूँ, नदी वो रही नदी, जल्दी जल्दी जाता हूँ। अरे छोड़ूंगा नहीं, जिसने भी आग लगाई है बर्बाद कर दूंगा। ओके गाइस, हे दोस्तों तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें आग से निकाल लेंगे। ओके गाइस, हम सभी को साथ में मिलके इस जाल को तोड़ना होगा और सारे के सारे जानवर को निकालना पड़ेगा। भागो भागो भागो। अरे चलो दोस्तों, मेरी सुन क्यों नहीं रहे हो, सब भागो यहाँ से। गाइस ये बेचारे जानवर है, हमारी भाषा नहीं समझ सकते। आइडिया, मैं इनको डरा देता हूँ, उसके बाद ये भाग जाएंगे। भागो सभी यहाँ से। क्या बात है दोस्तों, मेरी ट्रिक काम कर गई। हे भागो वरना सबको पीटूंगा। यस गाइस, देखा यहाँ पर कभी कभी बुराई में भी अच्छाई छुपी होती है। जिस तरह से ये लोग मुझसे डर के भाग रहे हैं, लेकिन मैं इनकी जिंदगी बचा रहा हूँ। दोस्तों अपना ख्याल रखना प्लीज। ओके गाइस, हमने फाइनली सारे जानवरों को यहाँ से भगा दिया। अरे नहीं, अरे ये क्या हो गया, सारे जानवर भगा दिए, अरे पैसा भी चला दिया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इतने मेहनत करके मैं रिच बना था और तूने मुझे गरीब बना दिया। अरे बाप रे छोड़, ये तो बहुत खतरनाक है गाइस, ये तो रेडल से भी ज्यादा पावरफुल है, इसको कैसे हराऊं। तू मुझे नहीं हरा पाएगा। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, भागो यहाँ से। अरे बाप रे, एक मिनट, ये कैसी गन है। याद आया, ये तो उसी ब्लैक रिवेंजर की गन है। क्यों ना गाइस मैं इसका इस्तेमाल करके इसको हराने की कोशिश करूं। तू हराएगा मुझे? बिल्कुल हराऊंगा, अभी बताता हूँ तुझे बेटा, रुक। ये अरे यार ये तो काम ही नहीं कर रहा। एक दो तीन और लगा। नहीं मैं तुझे मार दूंगा। अरे प्लीज लग जाना गन। ये ले, ओ फाइनली, एक मिनट गाइस, ये गन काम कर गई, हम फाइनली बच गए। चलो एक काम करते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर को लाएं। कौन है सर? मैंने सारे जंगली जानवरों को वापस जंगलों में वापस भेज दिया है, प्लीज जितना पैसा हो सके मुझे गिफ्ट में दे दीजिए। ठीक है ये ले। क्या बात है गाइस, हमारे पास 10 मिलियन डॉलर आ गए और हमारा टैग देखिए अल्ट्रा रिच बन चुका है। लेकिन गाइस अभी 10 मिलियन का पहले सूट भी तो खरीदना है हमको। गाइस ये तो बड़ा प्यारा सूट है, चलो इसको बाय करता हूँ। गाइस लुक एट मी। अब दोस्तों समय आ गया अपने भाई को बचाने का उस रेडल से, तो चलो पूरी स्पीड में चलते हैं। ये किसका कॉलर है? फ्रैंकलिन मेरी मदद कर। मैं फ्रैंकलिन नहीं हूँ, मैं एक वाइट एंड गोल्ड हल्क हूँ। अरे भाई जो भी है मेरी मदद कर, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। गाइस ये तो टोनी सर का कॉलर है, एक काम करते हैं अपने भाई को थोड़ा लेट बचाएंगे, पहले टोनी सर के पास चलते हैं। अरे भाई मेरे स्पाइडरमैन को मार दिया, थॉर को भी मार दिया, लेकिन मारा किसने ये नहीं पता। गाइस थॉर तो एक गॉड था, इसको किसने मार दिया? अरे वो इनविंसिबल नहीं था, और साथ साथ में स्पाइडरमैन को भी मार दिया। मेरी बात सुन, तो जो भी है जैसा भी है प्लीज मेरे भाइयों के कातिलों को ढूंढ और उनसे बदला ले, उसके बाद मैं तुझे कम से कम 50 से 60 मिलियन डॉलर दूंगा। क्यों 50 से 60 मिलियन डॉलर? गाइस अगर मैं और ज्यादा पावरफुल हो गया तो मुझे आसानी होगी उस रेडल को हराने में और अपने छोटे भाई को बचाने में। ठीक है सर, मैं ये करके रहूंगा। गाइस पहले मैं पता करना होगा कि थॉर को और साथ साथ में स्पाइडरमैन को मारा किसने। ये तो एक जायंट रेड वेनम है, और गाइस इसके तो 4 हेड है, ये कितना खतरनाक है। हां भाई सही बात है। अरे बिल्कुल, मैंने देखा था हमारे मालिक ने क्या ही स्पाइडरमैन को मारा और साथ साथ में उस पागल से थॉर को भी।
हल्क अब अवेंजर्स के साथ नहीं रहेगा, हल्क तुम्हारे साथ रहेगा। टोनी सर, जॉइंट रेड वेनम ने स्पाइडरमैन और थॉर को मारा है। ऐसी बात है, तो एक काम कर, तो उसको रोक कर रख, मैं एंटीडोट बना के लाता हूँ जिससे कि हम उसको छोटा करके मार सकें। ओके सर। तो गाइस, टोनी सर ना इस जॉइंट रेड वेनम को छोटा करने के लिए एक एंटीडोट बना रहे हैं जिससे कि हम इसको मार पाए, क्योंकि बहुत बड़ा है ना, मैं इसको हरा नहीं सकता। अरे बाप रे, अभी मुझे मरना नहीं है, मुझे गाइस अपने भाई को भी बचाना है यहाँ पर अमीर बन के। मैं तेरे को मार दूंगा, कौन है तू? अरे मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, बस बड़े से शरीर में, छोड़ दे मुझे। अरे बाप रे गाइस, ये टोनी सर कहाँ रह गए? अरे मेरी हालत खराब करवा दी, मुझे बड़ी मुश्किलों में छुपना पड़ा। अच्छा तो चिंता मत कर, मैं आ चुका हूँ। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तूने पता लगा लिया असल में किसने स्पाइडरमैन और थॉर को मारा है। ये ले, ये एक एंटीडॉट वाली गन है, जल्दी जा और जाकर इस गन को उस पर शूट कर दे, उसके बाद वो छोटा हो जाएगा, फिर तो उसको पीट सकता है। ऑल राइट गाइस, ये मारा। हे, ये क्या कर दिया मेरे साथ? गाइस, हमने जायंट रेड वेनम को छोटा सा बना दिया, बहुत हो गया, अब तुझे बताता हूँ बेटा। अरे नहीं, छोड़ मुझे, ये क्या कर रहा है बेवकूफ? मरेगा तो तू, अभी बताता हूँ मैं तुझे। ऑल राइट गाइस, हम इसको यहाँ पर लेके आ गए। क्या बात है बच्चे, तू इसको ले आया? बिल्कुल सर, ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, तेरा वादे के मुताबिक ये रहे तेरे $50 million। ओके गाइस, अब मैं यहाँ पर $50 million का एक सूट खरीदूंगा जिसका इस्तेमाल करके मैं अपने भाई को बचाऊंगा। ओके गाइस, यहाँ पर $50 million में पता नहीं कौन सा सूट मिलेगा। लोग वैसे तो मुझे बोलते हैं मैं अजीब सा हूं क्योंकि मेरा कलर व्हाइट एंड गोल्ड है ना, लेकिन गाइस आप ही बताइए क्या मैं अजीब सा हूं? तो यस लिखिए, नहीं हूं तो नो लिखिए प्लीज। ओके गाइस, मैं यहाँ पर देखिए कितना खतरनाक लग रहा हूँ। चलो अब उस रेडल के पास चलते हैं और अपने भाई को बचाते हैं। अरे बाप रे, ये क्या हो गया बच्चे? मेरे पास में अरे दद्दू जी, इस बच्चे को ले लीजिए, पूरे $100 million का। अरे नहीं, मुझे नहीं बेचना। अरे बच्चे, मैं खरीद लूंगा। क्या मेरे भाई को तू बेच रहा है, वो भी रेड दद्दू जायंट को? मैं तुझे खत्म कर दूंगा रेडल। अरे बाप रे, कितना बुरा मारता है तू तो, ये इतना बड़ा कैसे हो गया तू? अरे वाह गाइस, हमने तो रेडल को सही तरह से पीट दिया। देखो गाइस, क्या खतरनाक पावर है। एक काम करते हैं, इसके हम पैसे भी चुरा लेते हैं। ओह माय गॉड, मेरे अकाउंट में $500 million आ गए। मेरे भाई रो मत। अरे क्या आप सच में मिले भैया हो? वाह वाह वाह, आप तो बहुत ही भले हो गए भैया जी। बिल्कुल गाइस, मैंने अपने भाई को बचा लिया। चल अब एक काम करता हूँ, मैं ना तुझे घर लेकर चलता हूँ जल्दी से। ऐसी बात है क्या भैया, लेकिन हमारा घर कहाँ है? तू चिंता मत कर, घर जाकर ना मैं तेरे लिए एक बढ़िया सा सूट भी खरीद के दूंगा जिससे कि हम दोनों ही गॉड अल्ट्रा रिच बन जाए। तो गाइस, अब आप तैयार हैं इस $100 million के सूट को खरीदवाने के लिए? चलो साथ में खरीदते हैं और देखते हैं सूट दिखता कैसा है। अरे वाह, ये तो 3-headed व्हाइट हल्का सूट है और इस पे जरूर गोल्डन टैटू भी होंगे। लुक एट मी गाइस, मेरे अकाउंट में अभी भी $400 million है। साथ साथ में गाइस, मेरे घर में इतना सारा सोना है और मेरा भाई बहुत ही खुश है। बिल्कुल भैया, थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को देखने के लिए। बिल्कुल दोस्तों, अगर आपको इस तरह की वीडियो और चाहिए तो प्लीज कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखिए। बाकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहे हैं वो भी देख लो, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच।